राम राम जी। आज सबसे पहले उठते सार यू रखवाए हमने लाला जी से कपड़े सर्दियों के। इसमें चेतन जी का बैग तो भी वहीं पड़ा, वो थैला ये रहा है। चेतन जी नहीं रखते अभी, वो आलसी बहुत है लाला जी। कर दो जी, रुको एक मिनट। तब भी 3-4 दिन लग ही गए तुम्हें कपड़े करते हुए सेटल में, क्योंकि एक अगले 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 दिन तो लाला जी ने संभाल दिया था, बस ये रखने का आलस था बस बैग। और चेतन जी का तो अभी भी माल पानी पड़ा। लाला वैसे चैकेट आ जाती है दो और रख ही देते बाहर निकाल। चलो ठीक, खंग ठीक है, खांसी तो ठीक है थोड़ी बहुत। वो काली मिर्च और खाना अब, वो मतलब न्याज बोझ भी पीस दें, वो भी आहो मैं रखता अंदर, वो भी कर दें सैट। तो हूँ थानू बस वो मेन वो हैगी बबलगम, है ना, बबलगम। हाँ कोल्ड है थोड़ा, हाँ धीरे धीरे आएगा। अब तो ऐसा है ना, कल ही थी इतनी तेज खांसी का तो आया ना कुछ, चलो थोड़ा दवाई लेना होगा। हुआ गया भाई अंदर पैक आया गई। लो गाइस नाश्ता बना चुका है, आज थोड़ा जल्दी आ गया नाश्ता, आज 1:15 हुआ है अभी। ठीक है जी, कर लेते हैं जी हम। और गट्टे की सब्जी कम पड़ गई थी, ये तो चेतन ने अपना योगदान नहीं दिया इसलिए पूरी भागी हमें। इसे पछती ही माता है ना, हजम नहीं होगी अज मुंडा फिर लिशकारे मारन डे। अखा चिड़क पैन डे जे, मेरे लाइट बंद करके ज्यादा सोना लगन डे। विखाई जरा शक्ल इधर कर, किन्ने पैसे खर्च के आए जी पूरे अज? 150 रुपया, 20 रुपये ओहो 130 रुपये भाजी पूरे खर्च के आए ने अज। ते भाजी होनी चाह च मूसली पा के खान डे ने। मूसली है या क्या है? वो ही है, पता नहीं क्या है वो ही। जो भी है होगा टेस्टी। हाँ जो भी है होता टेस्टी है। लो सूखा प्रसाद दो। लो जी ये प्रसाद, ये है जी ये नट्स वगैरह है, पता नहीं सीड्स वगैरह है, ये पम्पकिन सीड्स वगैरह इसमें सब होते हैं। ये दाढ़ी दूड़ी सब सेट हो गया ही। आज लगन दे तो इंसान। तो दोस्तों ब्रेकफास्ट वगैरह सब हो चुका है और अब सबद हो चुके हैं और आज बनाएंगे डिनर में कटहल। कटहल ले आए बापू जी। इधर हमने प्याज चॉप कर दिए हैं बढ़िया से, बारीक बारीक प्याज और बारीक बारीक टमाटर का तड़का लगाएंगे। कढ़ाई भी पड़ी हुई है कल की पूड़ियों वाली, उसी में तल लेंगे इसे भी। और लाला जी तो कह रहे थे वैसे गोभी बनाने को, बट गोभी अब फिर ये कटहल मैंने कहा आज बना ले, गोभी कल बना लेंगे। गोभी से अब हाथों में पहले अब तेल लगा लेते हैं वरना चिपचिपे हो जाएंगे, और इसे काट देते हैं फटाफट। गाइस 4:45 होने वाले हैं और हम नहा धो के हो गए थे रेडी। और जी इधर चेतन जी ने सुबह नाश्ता नहीं करा क्योंकि गट्टे की सब्जी से ये खाते नहीं, तो उन्होंने मंगाया जी पंजाबी ढाबे से ये चाप पनीर और नान वगैरह। लो जी टेस्ट कर लेते हैं, बढ़िया होता है वैसे तो माल इनका। दबा के अभी पनीर छक दें और अभी भी लस्सी पी के भी हम हटे हैं। बढ़िया जी, लाजवाब होता है इनका माल, इनका लच्छा परोठा बड़ा टेस्टी होता है भाई। पंजाबी ढाबा ना, कहाँ पे है जगह? सिनेमा के सामने पंजाबी ढाबा। हाड़ दे कि मैं सब्जी वास्ते प्याज कट्टे ने, तुसी एथो वाड़ लेने प्याज। लो जी छोलिया दा फिर असी ओ कीता है, भोग पाया छोलिया दा, समोसे आ गए ने। मैं क्या लोग आई स्पेड सजा ली हमने, ऊपर हमने वही जो नान और उसके साथ आए थे हमने प्याज वही वाले डाली है। लो जी अब खाते हैं। दही भी दी वैसे लाला, मैं दही भी सोच रहा था ऊपर डालने की, पर फिर मैंने सोचा कि ज़्यादा घोच मचोला हो जाएगा, है ना। हाँ साथ में चाय भी है ना, तो ऐसे ही ठीक है जी। मज़ा आ गया, स्वाद आ गया, और स्वाद ले लेते हैं हम फिर। और क्या उसके बाद फिर आज फटाफट कर लेंगे कटहल की तैयारी, क्योंकि आज आना है मैच CSK का, और CSK का मैच तो हम वैसे ही नहीं छोड़ते भाजी।
फिर फटाफट तैयारी करेंगे कटहल की और उसके बाद फिर मैच देखेंगे। लो गाइस हुण नवी डिश माता ने तैयार की है जी, खांसी की दवाई अन्याज बोझ कल मुन्ना जी दे के गई थी, डॉक्टर साहब दे के गए थे, तो उन्होंने हूँ असी पीसा तो है नहीं है, हमने दोरी से कूट दिया है, इसमें अब देसी घी और काली मिर्च, देसी घी और काली मिर्च का तड़का मारा है, छोंक मारा है। कैसा लग रहा है माता जी आपको, ये गर्म है पक्का? ठीक है, अब ये खाओ। कहते हैं अन्याज बोझ भी खांसी के लिए बड़ा अच्छा होता है, खांसी को तो थोड़ा बहुत आराम है, अब मेन है कफ, इन्हें कफ थोड़ा ठीक हो जाए ना फिर गले को आराम मिलेगा, है ना माता जी? चलो खा लो, स्वाद नमक नमक ठीक है, तड़का मसाले मसूले गरम मसाला किचन किंग कुछ घट बढ़ता नहीं कि पागल वाली गला करता पे। लो जी, अब हमने कटहल रख दिया है तलने के लिए, मैं आपको दिखा देता हूँ कढ़ाई में। लो जी चेक करो, तो गाइस 7:10 हो गया और 7:30 बजे मैच शुरू हो जाएगा और चेन्नई की आज बैटिंग, तो मैंने कहा फटाफट निपटाऊँ इसे। और ये कटहल तल चुका है हमारा, ये टमाटर भी अभी मैंने चॉप करे हैं और अदरक भी बारीक बारीक। लो जी इधर प्याजों की हो रही है बुनाई और अभी मुझे आरती भी करनी है और माता जी की गुद भी करनी है, तो जी फिर आपको रेडी करके दिखाते हैं कटहल फटाफट से। लो गाइस 7:32 हो चुके हैं और हमने आरती कर ली है, बोलो जय माता दी जय श्री राम। और इधर माता जी की गुद भी करती है, माता जी कदे कदे स्माइला भी, माता जी माता कहती स्माइला गायब हुई भी है, खंग खंग के ही बुरा हाल होया पाया गले का, स्माइला ही माँ भी गायब हो गई। और उधर जी हमने क्या कहते हैं टमाटर रखे हुए थे गलने के लिए, गल गए होंगे देखें जरा, नमक नमक डाल के ना चॉप टमाटर ऊपर नमक नमक तोड़ के उसे हमने ढक के रख लिए थे कि पक जाए, देखते हैं फिर जरा फटाफट फिर देखते हैं, लेट हो गए थोड़ा बहुत यार। तो जी गल गए लग रहा, और इसकी कार्रवाई हम बीच बीच में करते रहेंगे, फिलहाल थोड़ा बहुत मैच देख लें, अब इसे बंद कर देते हैं बंद। तो गाइस रचिन भाई तो आउट हो गए, पिछले मैच में भी ऐसे ही आउट हो गए थे, कैच दे दिया था हाई, और इस बार भी सेम आउट। अब राणे पाजी आए हैं, देखो 25 रन ते एक विकेट हो गई है। लो गाइस पावर प्ले हो चुका है और 48 रन 1 विकेट, और आज साक्षी परजाई जी भी आ रखी हैं, और जी आज मैंने अपनी एक्सरसाइज भी स्किप कर दी है मैच के चक्कर में। तो लो जी अब कटहल डाला है उसमें, अब मसाले में, और उसे पकने रख देते हैं, और आ भी गया मैच साला 2 सेकंड नहीं हुए, देते हैं फिर काम बनाई देते हैं, और माता जी को आटा भी दे देते हैं मलने के लिए। लोग गायकवाड़ भाजी भी आउट हो गए ना, उन्होंने पता लग गया असं कटहल बना रहे हैं, वो कहते मैं खाना आ रहा, आउट हो गया देखो। लो जी हमने इसमें डाल दिया था मसाले में कटहल, मिक्स कर दिया बढ़िया से, घी वगैरह छोड़ दिया इसने, बढ़िया सोते हो गया बढ़िया से। अब इसमें जी डलेगी दही थोड़ा खटास के लिए, और वैसे भी बढ़िया टेक्सचर आ जाएगा, टमाटर तो बहुत है वैसे मसाला बहुत है, पर तब भी दही डालेंगे थोड़ी सी। माता कितनी कड़ची डालूं, 2-3 दही? ठीक लो दही के चक्कर में ये भी हो गया, हाँ टेस्ट बन जाता भाजी सही गल, वधिया टेक्सचर टेक्सचर भी आ जाते। लो जी अब मिक्स कर देते हैं इसे। तो गाइस डिनर बना चुका है, लो जी टेस्ट कर लेते हैं, ये आ गया जी कटहल, ए वेज जाने का समझो यही चिकन हैगा, है लाला ला। लो जी वेज चिकन हो, चटपटा बना लाला, कैसा बना था है बढ़िया बनिया? चलो खा लेते हैं जी हम, और हैदराबाद के जी 106 पे 2 आउट है, मुझे तो लग नहीं रही उम्मीद चेन्नई जीतते ही यार, लेकिन देखते हैं चलो ग्रिकेट आए कुछ भी हो सकता है, पर जैसे वो धोरी ना, ये लो जी एक और अपील, और ये नहीं देखते हैं, चलो मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दें शेयर कर दें, चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, फ्री है बाय बाय, राम राम।